हम तुम्हारे साथ हैं। ये सब आप राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे एक एक आओ ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद करो हम भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। मालवीय जी, कन्हैयालाल जी, धनजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी आज से ठीक 15 दिन पहले मेरे पूरे मन के साथ में और बड़ी उम्मीद के साथ में मैं अपने पुराने घर में लौट के आया और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नड्डा साहब को, अमित शाह साहब को, आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के लोकप्रिय नौजवान प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद करता हूं कि मुझे दिल्ली लेके गए और नड्डा साहब और शाह साहब के और मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने का कार्यालय में जिस तरह से मेरी एंट्री हुई, मैंने ज्वाइनिंग किया न भूतों ने भविष्य। आज बहुत कम समय में पार्टी ने मुझके ऊपर भरोसा किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता का, संगठन का और आम आवाम का साथ लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट को लाखों वोटों से हम सब मिलकर जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आचार संहिता से पहले आते हैं तो बांसवाड़ा के लिए, इस लोकसभा सीट के लिए कोई ना कोई सौगात हमको मिलेगी और उस दिन कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, पदाधिकारी हो, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य हो, सरपंच हो और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता ग्रहण करेंगे। हजारों की संख्या में तो राहुल गांधी भी आने वाले हैं। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो आपसे उम्मीद थी, जो आप कांग्रेस में थे और जो जनता की उम्मीद थी, वो उम्मीद कहीं ना कहीं धूल में मिल रही है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वो अपनी यात्रा करें, हम तो हमारी यात्रा को आगे बहुत आगे बढ़ाते हैं। कई नेता कह रहे हैं कि हमें कहीं बलि का बकरा नहीं बना जाए, ऐसी स्थिति है कांग्रेस की। कोई भी बैकफुट पे सारे लोग ऊपर से नीचे तक कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। वो स्वयं मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें कहीं बलि का बकरा नहीं बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस तो भगवान से समय हो गया है, एक तरह से खत्म हो गया है, उनकी जमानत जब्त होने की स्थिति है, वो सब वही स्वीकार कर रहे हैं कांग्रेस के। क्या सब भारतीय जनता पार्टी आने के बाद ही पार्टी को मजबूत समझ रही है, इससे पहले मजबूत थी? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत है, लेकिन मेरे आने से और मजबूत हुई। मेरे आने से हुआ क्या कि मेरी जितनी फौज थी, ये पूरी की पूरी फौज भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो गई। क्या सर माना जाए कि बागर से कांग्रेस का सफाया हो चुका है? वो तो जिस दिन मैंने घोषणा की उसी दिन हो गया। सर आज काटोल में पूर्व मंत्री जो है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला प्रमुख डरा रही है सरपंचों को और मीटिंग में जाने नहीं दे रही है। मैं माननीय उन मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि 25 साल से उस जिला परिषद में हम राज कर रहे हैं,
एक सरपंच बता दे जिसमें हमारे ऊपर करप्शन का एक रुपया लगा हो। और अभी तो मैंने फार्म नहीं भरा है, अभी भी मौका है इस कांग्रेस के लिए, मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध कर दे तो भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार नहीं बनके किसी और का बना देंगे, हम निवेदन करेंगे। लेकिन इनके पास में कोई आधार नहीं है, आधार विहीन, बल्कि इनके खुद के ऊपर कितने आरोप लगे हैं जो अर्जुन जी कह रहे हैं आज मेरे परिवार के ऊपर, हर आठवें दिन एक पेपर रंगा है। और आज इनके खिलाफ में जांच विचाराधीन है सरकार के पास में, जिस दिन जांच हो जाएगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कई बातें नजर आएंगी।